सो ही गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आ चुके करने वाले वीडियो के साथ में फाइनली बीजीएमए का जो सर्वर है वो ऑन हो चुका है और बीजीएमए के अंदर अपने को जो 2.5 का अपडेट देखने को मिला है। लिटरली काफी ज्यादा बंदों के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि भाई 2.5 वाले अपडेट की सेंसिटिविटी लेके आ जाओ, भाई सेंसिटिविटी कोड दे दो, आपकी सेंसिटिविटी क्या है। लिटरली बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, तो आपके भाई ने सोचा क्यों ना अपने सब्सक्राइबर एंड फ्रेंड्स को जो है अपनी सेंसिटिविटी कोड प्रोवाइड कर दूं। और फाइनली सेंसिटिविटी के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो यहां पे मेरी जो 2.5 अपडेट में जो है भाई क्या सेंसिटिविटी रहने वाली और कौन सी सेंसिटिविटी आपको यूज करनी चाहिए उसका कोड भी देने वाला हूं। सो गाइस यार, यहाँ पे भाई बहुत सारे बंदे ऐसा करते हैं कि सेंसिटिविटी कोड लेके चले जाते हैं और वो सेंसिटिविटी वर्क वगैरह नहीं कर रही होती है अच्छे से उनके डिवाइस के अंदर। तो लिटरली यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाला हूँ, तो पहले वो टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लेना एंड फिर उसी के बाद जो है सेंसिटिविटी भाई जो है यूज़ करना, मेरे कोड यूज़ करना। और लिटरली यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन में जो है मेरी सेंसिटिविटी के भाई पूरी की पूरे रिकॉइल दिखाऊंगा कि भाई मेरा सेंसिटिविटी कैसा है। पूरा सेंसिटिविटी चेक करने के बाद ही आप सेंसिटिविटी कोड जो है यूज़ करना। लिटरली काफ़ी ज़्यादा बंदे क्या करते हैं, अपने लो एंड डिवाइस में सेंसिटिविटी यूज़ करते हैं तो भाई लिटरली वो सेंसिटिविटी वर्क नहीं करती अच्छे से एंड रिकॉल वगैरह नहीं हो पाता है। तो लिटरली यहाँ पे जो मेरा डिवाइस है वो आईफोन 12 है और मेरे डिवाइस के अंदर भाई HDR एक्सट्रीम चलता है और 60 FPS कॉन्स्टेंट चलता है। तो लिटरली जिनका भी डिवाइस जो है 60 FPS वाले हैं वो ही ये वाली सेंसिटिविटी यूज़ करना है। जो भी जायरोस्कोप है, जायरो फुल जायरो खेलता है या जो नॉर्मल जायरो खेलता है वो उसके लिए ही सेंसिटिविटी होने वाली है। तो लिटरली वो लोग ही सेंसिटिविटी को यूज़ करना है, क्योंकि ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, मैं फुल जायरो पे खेलता हूँ और जायरो प्लेयर हूँ मैं 4 फिंगर, तो भाई 4 फिंगर 3 फिंगर का तो कोई सीन नहीं है। लिटरली यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर एंड यहाँ पे हमारे पास है AKM और M4 दोनों में मेरी सेंसिटिविटी दिखाने वाला हूँ। 6x 4x 3x 2x और यहाँ पे 2x तो भाई लिटरली कोई यूज़ करता नहीं है, बट 2x भी दिखा सकता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे मेरी M4 की सेंसिटिविटी आप देख सकते हो रेड डॉट के अंदर एंड उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे 3x की, फिर उसके बाद जो है 4x एंड 6x एंड फुल 6x की भी सेंसिटिविटी है। भाई लिटरली क्या ही रिकॉल होता है और आपको ना भाई लिटरली आप खुद भी बोलोगे भाई क्या सेंसिटिविटी दी है। और ये वाली जो सेंसिटिविटी है ओनली डिवाइस के ऊपर ही वर्क करेगी, जो आईपैड प्लेयर हैं या टैबलेट में खेलते हैं या फिर कोई लो एंड डिवाइस में खेलते हैं तो वो लोग बिल्कुल भी यूज़ मत करना, क्योंकि ये एक हाई सेंसिटिविटी है और एक हाई एंड डिवाइस में ही अच्छे से वर्क करने वाली है। तो लिटरली यहाँ पे जितनी भी सेंसिटिविटी आप पहले चेक कर लेना, फिर उसी के बाद आप जो है सेंसिटिविटी को जो है यूज़ करना। यहाँ पे बंदे क्या करते हैं, कई काफ़ी ज़्यादा बंदे होते हैं जो सेंसिटिविटी कोड लेके चले जाते हैं, यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद ना मतलब कमेंट में आके बोलते हैं कि भाई ये सेंसिटिविटी सही नहीं है, ऐसा है, कोड वर्क नहीं कर रहे हैं। तो भाई लिटरली भाई बहुत सारे बंदों को भाई पता चलता नहीं है, वीडियो स्किप करके देखते हैं, पूरा देखते नहीं है। तो यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी भाई लिटरली यार बहुत ही ज़्यादा ओसम से लगने वाली है आपको। और मैं ये वाली जो सेंसिटिविटी है बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने खुद से मेरी सेंसिटिविटी को बिल्ड किया, ना कि किसी को कॉपी वगैरह किया। लिटरली मैं खुद से सेंसिटिविटी बिल्डअप किया हूँ ताकि मैं इस पर मास्टर हो सकूँ। और आप भी खुद अगर अपनी सेंसिटिविटी बिल्ड करते तो आपका भी भाई उस पर जो है मास्टर लेवल बढ़ जाता है, आपका भी भाई सेंसिटिविटी में भाई उसको जो है थोड़ा रिकॉल वगैरह आपको जो है कंफर्टेबल लगने लगता है। यहाँ पर आप अगर खुद से भी सेंसिटिविटी अगर बिल्ड करना चाहते हैं तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना आप खुद से अपनी जो सेंसिटिविटी है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर मेरी सेंसिटिविटी यूज करनी है तो आप यहाँ पे मेरे रिकॉल वगैरह देख सकते हैं, AKM के 4x 6x यहाँ पे आप देख ही सकते हो। और लिटरली सेंसिटिविटी यूज करने के बाद भी आपको जो है यहाँ पे कुछ ड्रिल्स वगैरह एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर उसी के बाद जो है आप सेंसिटिविटी पे मास्टर हो पाओगे। काफी ज्यादा बंदे करते क्या भाई, दूसरों की सेंसिटिविटी यूज करते हैं, मेरी सेंसिटिविटी यूज की, अपने फ्रेंड की सेंसिटिविटी यूज की, बट वो उस पर मास्टर नहीं हो पाते। उसका मेन कारण है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और थोड़े दिन भाई लिटरली उस पर जो है कंसिस्टेंस होना पड़ेगा। अगर आप एक घंटे भी अगर उस पर प्रैक्टिस कर रहे ना ट्रेनिंग ग्राउंड में आके, तो आप लगभग 4 या 5 दिन में उस सेंसिटिविटी पे मास्टर हो जाएंगे। अगर आप लिटरली डेली के डेली 20 मिनट भी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करने आ रहे हैं उस सेंसिटिविटी पे और ट्रेनिंग ग्राउंड के ड्रिल वगैरह कर रहे, तो आप ना भाई लिटरली 10 या 12 दिन में वो सेंसिटिविटी पे मास्टर हो जाने वाले। और ये वाली जो सेंसिटिविटी मैं 1 साल से यूज कर रहा हूं आपको पहले ही बता देता हूं। तो फाइनली यहां पे मेरा जो कंट्रोल है बेसिक कंट्रोल आप देख ही सकते हो, ये सारी सेटिंग्स आप अगर कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, बेसिक कंट्रोल, एडवांस कंट्रोल। और यहां पे मैं एम असिस्ट ऑफ करके खेलता हूं। आप कौन सा खेलते हैं, मैं लिटरली ई स्पोर्ट प्लेयर हूं तो यहां पे मेरे को जो है सारा सब कुछ एम असिस्ट ऑफ में ही खेलना पड़ता है। तो यहां पे मेरा भाई देख ही सकते हो ग्राफिक HDR एक्सट्रीम तक चलता है मैक्सिमम, और लोबी में भी यही सेट कर रखा है मैंने। और नॉर्मली मैं स्मूथ एक्सट्रीम भी खेलता हूं और कभी कभी HDR एक्सट्रीम भी खेलता हूं। तो फाइनली ये है हमारी सेंसिटिविटी। और यहां पे आप जो है सेंसिटिविटी का कोड वर्क नहीं करता है तो आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इजीली से। तो यहाँ पे भी जो है मेरी सेंसिटिविटी आप देख सकते हो, नॉर्मल जो अपनी लेंस वाली सेंसिटिविटी है वो है और ये अपनी जायरो सेंसिटिविटी है। यहाँ पे मैं ADS जायरोस्कोप ऑन रखता हूँ, ADS भी आपको ऑन रखना है क्योंकि बीजीएमए का 2.5 वाला अपडेट के बाद यहाँ पे भाई सारी सेटिंग जो रीसेट हो चुकी थी। तो यहाँ पे आपको जो अपना ADS वगैरह सब कुछ ऑन कर लेना है एंड ये वाली जो सेंसिटिविटी इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। अगर आपको जो है
कोड वर्क नहीं करता है बाई चांस। यहाँ पे मैं अपना जो कोड है वो भी आपको देने वाला हूँ, तो लिटरली आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है मेरा कोड है और ये मेरी सेंसिटिविटी का कोड है। आप जो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने गेम में जाके यूज़ कर सकते हो इस कोड को, और ये वाले कोड को जैसे ही डालोगे तो मेरी सेंसिटिविटी पूरी की पूरी कॉपी हो जाएगी। बाई चांस अगर जो है मेरे कोड जो है वर्क नहीं करते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।